हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी है। मैंने ये आवर्ली चार्ट लिया, तो बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट 26651, फर्स्ट सपोर्ट 26558, सेकेंड सपोर्ट 26467 एंड थर्ड सपोर्ट 27374। फर्स्ट रेजिस्टेंट 26741, सेकेंड रेजिस्टेंट 26835 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 26905। और इसमें हम देखेंगे, आज ये आप देख सकता है, मैंने अगर डेली चार्ट लिया तो डेली फर्स्ट, क्योंकि पहले मैं एक वीकली आपको दिखा लेता हूँ वीकली में। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट टोटली स्टिल अप ट्रेंड में ही है, और जो एक सपोर्टिंग जोन मिला था यहाँ से, तो सपोर्टिंग जोन से फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर डेली में देखे तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, राइट। ये डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में क्या था, ये हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई हायर लो। तो ये जो हायर हाई हायर लो बनाया, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था, राइट। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन मिला, तो एग्जैक्टली मार्केट क्योंकि ऊपर जाता है, फिर से ऊपर जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन होता है वहाँ तक जाता है, तो फिर से रिट्रेसमेंट होता है। सिमिलरली ये भी यही हो रहा है, तो यहाँ पे एक हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिला यहाँ पे, राइट, रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे। तो बाद में ये हायर लो बनाया, तो अभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर मार्केट ये नीचे आएगा डेली में तो कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे में जो सपोर्टिंग जोन रहता है, तो सपोर्टिंग जोन को हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम सपोर्टिंग जोन देखेंगे, तो फर्स्ट सपोर्टिंग जोन हमें क्या मिला, ये मूविंग एवरेज 200 एंड 100 मूविंग एवरेज, तो उन दोनों को कनेक्ट किया। तो इधर भी देखना पड़ेगा हमें कितना हाईएस्ट टासेस मोमेंट है। यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं मिला, एटलीस्ट दो है, और आसपास में ये है, तो 3 मिला हुआ है। तो और यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, तो 26,000 से फिर से मार्केट आ सकता है आज, राइट, 26,000। तो यहाँ जब आएंगे तो फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। फिर भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और एक सपोर्टिंग जोन है यहाँ पे, जिसे आपको मैं और एक ड्रॉ कर दूँ। जो प्रीवियसली आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन निकाला था प्रीवियसली, जो मार्केट गया था, हाईएस्ट टासेस पॉइंट था यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ का आसपास, राइट, ये रीजन में। तो क्यों यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक और सपोर्टिंग जोन दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टिंग जोन था यहाँ पे था, राइट, यहाँ पे हाईली था, यहाँ पे ये एक जोन था, तो इसलिए मैंने ये भी निकाल दिया सपोर्टिंग जोन, राइट। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज भी आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 20 मूविंग एवरेज से बाउंस होता जाता है, जैसे ये यहाँ हुआ था 20 में बाउंस। तो यहाँ से फिर से एक, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से 20 में बाउंस हुआ था, राइट, और नेक्स्ट टाइम आज भी मुझे लगता है ये नीचे आ गया, थोड़ा 20 में बाउंस होना चाहिए। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है ये 26,300 का आसपास मार्केट आने का चांसेस है, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये हो गया डेली में। अगर हम 4 आवर में देखें, 4 आवर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न डेली में जो है, ये तो ये एक रिट्रेसमेंट जोन में हुआ आया हुआ है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है। अगर 15 मिनट आज देखे तो मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ था, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, राइट। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डेली में दिखा दो, जैसे यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था, तो ये एरिया में रेजिस्टेंस लाइन मैंने तो पहले ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था, राइट, यहाँ पे, तो लास्ट एक रेजिस्टेंस लाइन। तो रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर में क्या हुआ, ये तो रेजिस्टेंस लाइन हमें मिला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर क्या हुआ, ये आप देख सकता है,
20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ तो नहीं थोड़ा, हाँ रेजिस्टेंस लाइन जब हिट हुआ उसके बाद देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ राइट यहाँ पे ये कैंडल में। तो कौन सा कैंडल में हो गया? एग्जैक्टली ये कैंडल में हुआ था ये कैंडल। तो जब क्रॉस ओवर हुआ तो हम सेल कहाँ लिया? इसका नीचे में। तो मार्केट थोड़ा कैंडल रुका, फिर से ऊपर चला गया राइट, फिर से क्रॉस कर दिया, तो हमें सेल हिट नहीं हुआ यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम आप देख सकते हैं पिछले दिन यहाँ ये कैंडल स्टिक जो है कैंडल है ये कैंडल, ये गैप डाउन ओपन हुआ और क्रॉस ओवर हुआ, उसका नीचे मेरा सेल यहाँ पे हिट हुआ था राइट। तो मेरा सेल स्टिल होल्डिंग में है, क्यों उसको मैंने क्लोज नहीं किया? क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम किसको 20 को क्रॉस किया ही नहीं मूविंग एवरेज ने, ठीक है। तो मुझे लगता है ये मार्केट एटलीस्ट 26,300 यहाँ तक आना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसको तोड़ दिया तो और नीचे आ सकता है ये 26,000 तक, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।